अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है नूर फातिमा। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, आज मैं आपको ये हेयर कर्ल्स करना सिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, और अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है तो इस तरह के कर्ल से वॉल्यूम बहुत आ जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगी जो प्रोफेशनल सैलून्स में यूज़ होता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज़ वेल। तो सबसे पहले हमने हमारे हेयर्स को हेयर प्रोटेक्टेड सीरम लगाना है। मैं यहाँ पर लोरियल पेरिस का लिस अनलिमिटेड सीरम यूज़ कर रही, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत 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 रनी है और बिल्कुल भी फील नहीं होता, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो मैंने ये बालों में अप्लाई किया। इसके बाद हमने पार्टीशन निकाली। जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो मैं रेमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने 230 डिग्री पर रखा है। ये है रेमिंगटन का मॉडल नंबर S3600 जो कि बहुत अच्छा है, और ये कर्ल्स भी बहुत अच्छे करता है, बालों को स्ट्रेट भी बहुत अच्छे से करता है। तो हमने छोटी छोटी पार्टीशंस लेनी है, और पहले उस पार्टीशन को हल्का हल्का हमने स्ट्रेट कर लेना है ताकि नीट एंड क्लीन लुक आए। इसके बाद मैंने इसको इनर डायरेक्शन में ट्विस्ट किया है, और इस तरह से मैं हल्का हल्का नीचे लेकर आ रही हूँ, और फिर थोड़ा सा हमने दोबारा से इसको ट्विस्ट करना है ताकि कर्ल टाइट वाला हमें मिले। तो अगर आप टाइट कर्ल चाहते हो ना, तो आपने इस तरह से उसको कर्ल करना है, हल्का हल्का नीचे को लेकर आना है, और इसको थोड़ा सा साथ साथ ट्विस्ट करते जाना है। तो मैं इसको बिल्कुल एंड पे लेकर आ जाऊँगी, हेयर के जो बिल्कुल नीचे एज होता है ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इसको वहाँ लेकर आना है, और फिर वहीं से हमने इसको दोबारा से इस तरह ऊपर की तरफ राउंड राउंड ट्विस्ट करके सारे हेयर्स को इस तरह से कवर कर लेना है, और कुछ सेकंड्स के लिए हमने छोड़ना है। ज़्यादा देर हमने नहीं छोड़ना वरना आपके बाल जल सकते हैं। हमने 10 तक काउंट करना है, और इसके बाद हमने हमारा कर्ल खोल देना है। हमने हमारे कर्ल को थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है, और फिर इस तरह से हमने इसको राउंड करके सेट कर लेना है। इसी तरह मैंने दोबारा से इनर डायरेक्शन में इसको राउंड ट्विस्ट किया है, और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मैं लेकर आ रही हूँ नीचे। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस तरह से हमने राउंड राउंड नीचे लेकर आना है, और इस तरह से फिर एज पे ला के इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर लेना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करना आ जाएगा। इस तरह से बहुत अच्छे कर्ल्स पड़ते हैं, और स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलते हैं एज़ कम्पेयर टू रोलर या कर्लर। तो इस तरह से हमने हमारा कर्ल थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है, और इसको फिर मैं सेट कर लूँगी, और इस तरह हमने हमारे कर्ल्स डालने हैं। दूसरी साइड के जो कर्ल्स हैं उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और सारे कर्ल्स को मैं आपके सामने यहाँ पे कर्ल कर रही हूँ, और ऊपर वाली साइड जो मैंने पार्टीशन छोड़ दिया उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं नीचे वाले सारे कर्ल्स को कंप्लीट कर लूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अलीमा शाह 599 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मेरे ये कर्ल्स देख सकते हो आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल टाइटली आप जितना इसको लूज चाहो कर सकते हो। दूसरी साइड पर हम आ गए हैं, और इसका भी आप देख सकते हो। दूसरी साइड पर हमने पहले खड़े होना है, फिर इस तरह से हमने उसी डायरेक्शन में, इनर डायरेक्शन में ये कर्ल डालना है। पहले वाला जो था वो स्ट्रेटनर में ऊपर को करके लेकर आ रही थी तो वो इजी होता है। अब जो इधर वाले साइड के कर्ल्स है ना, ये वाला स्ट्रेटनर आप देख सकते हो, नीचे वाली साइड पे मैंने इसको करके तो फिर डाला है। ये डायरेक्शन जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह आप जब मैं इसको आपके सामने खोलूँगी तब आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये वाला कर्ल आप देख सकते हो मैंने नीचे की तरफ को खोला है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है जब आप कर्ल्स डालोगे। इधर वाली साइड का ये आप देख सकते हो, मैंने ऊपर वाली साइड को कर्ल किया है ताकि आपको आसानी हो जाए, और सेम डायरेक्शन मैंने कर्ल्स शुरू किए हैं। ये मैंने ऊपर वाली पार्टीशन ली है, आपने यहीं से कर्ल शुरू करना है, बिल्कुल कान के पास जो लाइन होती है ना आपने वहाँ से अपने बालों की पार्टीशन लेनी है, और फिर आपने कर्ल्स करना शुरू करना है। नीचे वाले कर्ल्स मेरे सारे कंप्लीट हो चुके थे, दूसरे मैंने ऊपर वाले कर्ल्स किए हैं, सेम डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ। और आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अपने कर्ल्स को आपने टाइम देना है। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं तो आप इस तरह के जब कर्ल्स करोगे ना तो आपके जो कर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी भी लगेंगे, आपके बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग
इन कर्ल्स होते हैं ये खुलते नहीं है जब तक आप इसको खुद ना खोलें, हल्के से थोड़े से लूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से टाइट और लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स होते हैं। तो ये इस तरह के कर्ल्स आपको मिलेंगे जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रंट डायरेक्शन भी मैंने सेम इसी तरह ली है। अच्छा, ये वाले कर्ल्स जो है वलीमा पे बहुत अच्छे लगते हैं, मेहंदी पे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी ओकेशन पे आप ये कर सकते हो, बहुत 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 अच्छी लुक आती है। मोस्टली ये मेहंदी पे बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप इसके साथ एक्सेसरीज पहनोगे ना तो बहुत 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 अच्छी लुक आएगी। और ये जो फ्रंट इसका जो आता है ना वो बहुत मज़े का आता है, इसका मुझे फ्रंट बहुत पसंद है, आपको बहुत लिफ्टेड सी लुक मिलती है और आपका जो फेस है ना वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाता है इन कर्ल्स के साथ। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। तो इस तरह से मैंने सारे ही कर्ल्स कर लिए थे और ये आप देख सकते हो कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं, कितना वॉल्यूम भी आपको नज़र आ रहा होगा और हर एक कर्ल अपनी अपनी डायरेक्शन में बहुत प्यारा लग रहा है और ये बहुत प्यारे कर्ल्स लगते हैं। ऊपर वाले सेपरेट आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे वाले सेपरेट नज़र आ रहे होंगे और जो शाइन है ना ये सीरम की शाइन है, ये वाले सीरम की शाइन आपको इतनी मज़े की कमाल की शाइन मिलती है ना, तो आप ये वाला सीरम भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और ये वाले कर्ल्स बहुत 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 खूबसूरत आपने लाजमी ट्राई करने हैं। एक दो प्रैक्टिस में आपको ये वाले कर्ल्स करना आ जाएंगे, बस आपने इसका इनर डायरेक्शन और आउटर डायरेक्शन सिर्फ इस चीज़ को आपने नोट करना है, फिर आपको खुद ही आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी आपने प्रेस करनी है जिससे न्यू वीडियो मिलेगी, और लाइक लाजमी करना है, लाइक की बहुत कमी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।